वहीं अमेरिका के टेक्सास, ओक्लाहोमा और अरंगसास राज्यों में रविवार को आए टॉर्नेडो के कारण 18 लोगों की मौत हो गई। तूफान, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण लगभग 10 करोड़ लोग प्रभावित हैं। अमेरिकी मौसम विभाग ने इन तीनों राज्यों में आज के बवंडर और भारी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की है। टॉर्नेडो के कारण कई इमारतें, बिजली, गैस लाइनें और एक ईंधन स्टेशन तबाह हो गए। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू टीम को भेजा गया है। वहीं कांसास, इलिनोइस, केंटकी, मिसौरी और टेनेसी शहरों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां बेसबॉल के आकार के ओले गिर रहे हैं, इसकी वजह से ही 40 लाख से ज्यादा लोग डर के साए में तेजी से जी रहे हैं। इन राज्यों में हवा 136 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है।